हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 121 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 120B तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। सेक्शन 121 आईपीसी में बताता है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और एबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप कोई वॉर करवाना चाहते हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एबेट करते हो कोई वॉर, किसी को उकसाते हो गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध करने के लिए, ठीक है, या खुद वॉर करते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको क्या सजा मिलेगी वो बताया गया है सेक्शन 121 में। आइए पढ़ते हैं कि हूएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कोई भी व्यक्ति युद्ध छेड़ेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अटेम्प्ट टू वेज सच वॉर, और अगर अटेम्प्ट भी करेगा उस युद्ध छेड़ने की, और एबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर, अगर उकसाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को युद्ध करने के लिए, शैल बी पनिश्ड विथ डेथ, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, डेथ, सजाए मौत, या फिर और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर आजीवन कारावास, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। तो क्या सजा होगी, डेथ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर द फाइन। सो सिर्फ इतना ही था सेक्शन 121 आईपीसी में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 121A आईपीसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को सेक्शन 121 समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।